सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के। हेलो व्यूअर, मैं सर डॉक्टर मासूम करीम आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर विलियम सोबे जर्मन ब्रायोरियम ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, जर्मनी जो ब्रायोरियम ड्रॉप आते हैं, अगर आपको मसल पेन या ज्वाइंट पेन की शिकायतें देखते हैं तो दोस्तों उसको ठीक करने के लिए यह सबसे बेहतर एक जर्मन ड्रॉप है। तो दोस्तों बात करेंगे इस जर्मन ड्रॉप की खासियत के बारे में। अगर आप जॉइंट पेन, मसल पेन को लेके परेशान है, बहुत सारे मेडिसिन आप ले चुके, कोई फर्क आपको नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों आज के वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लीजिए और बाजू में देखने वाला बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर विलियम सोबे जर्मन ब्रायोरियम ड्रॉप को यूज की जाती है मस्क्यूलर, आर्टिकुलर रूमेटिज्म एंड रूमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। जैसे कि दोस्तों हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स में बहुत ही ज्यादा दर्द देखते हैं, जैसे कि हमारे छोटे जॉइंट्स मतलब फिंगर में जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होते हैं, रिस्ट की जो जॉइंट्स होते हैं उसमें दर्द होते हैं, जैसे कि हमारे बड़ा जॉइंट्स शोल्डर जॉइंट्स हो, नी जॉइंट्स हो या एल्बो जॉइंट्स हो, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस या स्टिफनेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए काफी बेहतर काम करते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर आपको मसल पेन्स हो, पूरा शरीर में दर्द हो, साथ साथ सायटिका की भी शिकायत हो, पूरा पैर तक अगर आपको दर्द बने रहते, चलने फिरने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती है, तो दोस्तों ब्रायोरियम ड्रॉप काफी बेहतर काम करते हैं। तो बात करेंगे ब्रायोरियम ड्रॉप की कम्पोजिशन के बारे में, आखिर में बात करेंगे इसकी कीमत, लेने की तरीका क्या है, कहाँ से और कितने कीमत में जो है आप इस मेडिसिन को ले पाएंगे। तो दोस्तों ब्रायोरियम ड्रॉप में 5 होम्योपैथी मेडिसिन की मिलावट की जाती है, उनमें से सबसे पहले मेडिसिन जो मिलाए जाते हैं वो दोस्तों ब्रायोरियम। अगर आपको ज्वाइंट पेन की शिकायत देखते हैं, अगर चलने फिरने में दर्द बढ़ते हैं, स्वेलिंग, स्टिफनेस, रेडनेस अगर देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों ब्रायोरियम होम्योपैथी मेडिसिन काफी बेहतर काम करते हैं। दोस्तों साथ साथ इसमें दूसरे मेडिसिन मिलाए जाते हैं फाइटोलग का। अगर आपको स्टिफनेस की शिकायत देखने को मिलते हैं, चलने फिरने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होते हैं, तो दोस्तों फाइटोलग का होम्योपैथी मेडिसिन काफी बेहतर काम करते हैं। दोस्तों इसमें तीसरे मेडिसिन मिलाए जाते हैं नेफेलियम, जो कि दोस्तों सायटिका या मसल पेन के लिए नेफेलियम काफी बेहतर काम करते हैं। दोस्तों इसमें अगले मेडिसिन मिलाए जाते हैं डल का मारा, जो कि दोस्तों बरसात या देखते हैं कि ठंडे की मौसम में अगर दर्द बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं या देखते हैं कि उसमें रेडनेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, बेहतर काम करते हैं। दोस्तों इसमें मिलाए जाते हैं रस्टॉक्स। दोस्तों अगर आपको आराम के वक्त या देखते हैं जब भी आप रेस्ट करते हैं तो उस टाइम अगर दर्द बढ़ते हैं, तो दोस्तों रस्टॉक्स होम्योपैथी मेडिसिन काफी बेहतर काम करते हैं। तो ये था 5 मेडिसिन जो कि दोस्तों ब्रायोरियम ड्रॉप में मिले जाते, काफी बेहतर मेडिसिन की मिलावट करके दोस्तों जर्मन ब्रायोरियम ड्रॉप को बनाए जाते। तो दोस्तों बात करेंगे ब्रायोरियम जो ड्रॉप आते हैं इसके लेने की तरीका क्या है। तो दोस्तों अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दिन में 3 बार लेना है, 10 बूंद करके 1/4 कप पानी के साथ मिला के खाने से 1 घंटा पहले, तभी जो है आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस मेडिसिन को लेना चाहते हैं तो लगभग 400 रुपीज मतलब 400 रुपए में आप इस मेडिसिन को कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन शॉप से ले सकते हैं, नहीं तो आप घर बैठे ऑनलाइन और भी आसानी से इस मेडिसिन को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको रूमेटिज्म या देखते हैं कि आर्थराइटिस या मसल पेन्स या देखते हैं कि सायटिका की शिकायत है, अगर आप मुझसे कॉन्सल्ट करना चाहते हैं या अगर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश और मस्त रहिए।